हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये सेक्शन क्या है ये न्यूज में इतना ज्यादा क्यों है इस लॉ को क्यों पास किया गया अमेरिकन गवर्नमेंट का पे क्या क्या स्टेट है टेक कंपनीज का पे क्या कहना है और इंडिया पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बात करेंगे कि सेक्शन टू थर्टी ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो है क्या तो ये एक पार्ट है, है ये ओरिजिनली बना था टू रेगुलेट पोर्नोग्राफी ऑनलाइन क्रिमिनलाइजिंग डिस्ट्रीब्यूटिंग पॉन टू माइनर्स एंड रेगुलेटिंग एंड डिफाइनिंग ऑफ सीन और इन डिसेंट जो कंटेंट है उसको डिफाइन करने के लिए इस सेक्शन को बनाया गया था तो इसका पर्पस है टू रेगुलेट ऑनलाइन रेगुले पब्लिकेशन और लाइबिलिटी इस लॉ में ये चीज बिल्कुल क्लियर कही गई है कि नो प्रोवाइडर और यूजर ऑफ़ एन इंटरेक्टिव कंप्यूटर सर्विसेज शेल बी ट्रीटेड एज द पब्लिशर और स्पीकर ऑफ एनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय अनदर इंफॉर्मेशन कंटेंट प्रोवाइडर इसका मीनिंग क्लियरली ये है कि अगर कोई थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म पे जो पोस्ट करती है उसके लिए वो उसके लिए जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं जो कंपनी हैं वो उसके लिए लाइबल नहीं है जो पर्सन कंटेंट पोस्ट करेगा उसके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है लेकिन कंपनी के ऊपर जो एक्शन है वो नहीं लिया जा सकता तो जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो किसी भी कंटेंट के लिए लाइबल नहीं है जो उनकी वेबसाइट पे शेयर होता है सो इफ अ अट समिंग इन लीगल ऑन द वेबसाइट द कंपनी इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम लॉ सूट तो ये है सेक्शन टू थर्टी अब हम बात करेंगे कि लॉ न्यूज में क्यों था तो अभी जो uh, जनवरी सिक्स को जो यूएस कैपिटल हिल पे जो अटैक हुआ उसके बाद फेसबुक ने जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप उनका जो अकाउंट है वो सस्पेंड कर दिया और जो ट्विटर है उन्होंने भी डोनाल्ड ट्रंप का जो अकाउंट था उसको परमानेंटली सस्पेंड कर दिया और ट्विटर ने ये इस पर, इस बेसिस पे किया उन्होंने कहा कि इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस जो है वो उसके थ्रू हुआ और आगे वायलेंस ना बढ़े इसीलिए उन्होंने प्रेजिडेंट का जो अकाउंट है वो सस्पेंड कर दिया इसी के साथ साथ ही उन्होंने सेवेंटी थाउजेंड और जो अकाउंट्स थे क्यू के जो कि एक राइट विंग कॉन्स्पिरसी थ्योरी ग्रुप है अमेरिका का उन सब के जो अकाउंट्स है वो भी सस्पेंड कर दिए इसी के साथ ही जो टेक जॉइंट हैं जो एप्पल और गूगल है एप्पल ने अपने ऐप स्टोर से और गूगल ने प्ले स्टोर से जो पार्लर ऐप है उसको हटा दिया तो जो पार्लर ऐप है ये ट्विटर के जैसा ही एक प्लेटफॉर्म है और जो एमेजोन है उसने अपनी जो वेब सर्विसेज़ है उस पे जो आप उसको डाउनलोड नहीं कर सकते न्यूज तो में आ गया क्योंकि जो आ, जो सेक्शन 230 के जो रेगुलेशंस है उसमें ये चीज क्लियरली कही गई है कि जो प्राइवेट कंपनीज है उनके पास राइट right है टू रिमूव द कंटेंट विच वायलेट्स देयर गाइडलाइंस एंड वैल्यूज तो जो बड़ी कंपनीज ने ये जो एक्शंस लिए हैं अकाउंट को सस्पेंड करने के लिए उन्होंने इसी बेसिस पे लिए हैं अब बात करेंगे कि इस लॉ को पास क्यों किया गया तो जो ये जो लेजिस्लेशन था इसको इसलिए ड्राफ्ट किया गया ताकि जो फ्री स्पीच है उसको प्रोटेक्ट किया जाए जो कि फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आती है दूसरा है कि जो लॉ है वो इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स को इम्यूनिटी देता है जो भी कंटेंट कंटेंट उन पर पोस्ट होता है उसके लिए तो जैसे मैं आपको पहले बता देती हूँ जैसे ट्विटर है वो नॉर्मली जितनी भी उस पर ट्वीट्स होती हैं वो उसके लिए लाइबल वो उसके लिए लाइबल नहीं है इसी तरह गूगल में सपोज अगर कोई रेस्टोरेंट है अगर उस रेस्टोरेंट के ऊपर के कोई बैड रिव्यू देता है तो उसके लिए गूगल रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो ये लॉ इसीलिए पास किया गया ताकि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको इन्हेंस किया जाए अब बात करते हैं कि जो सेक्शन है ये ये स्टार्ट कैसे हुआ इसकी इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जानना चाहेंगे ये जो लॉ है ये 1950 से स्टार्ट हुआ जब जो बुक स्टोर ओनर्स थे वो कुछ ऐसी बुक्स पाते आ, आ, बेचते पकड़े गए जिन बुक में ऑब्सीन कंटेंट था जो कि फर्स्ट अमेंडमेंट के अंदर प्रोटेक्टेड नहीं है जब ये केस अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के पास आया तो उन लोगों को ये चीज लगा कि जो बुक सेलर्स हैं एक्चुअल में उनको रिस्पांसिबल नहीं ठहराया जा सकता किसी और के कंटेंट के लिए क्योंकि जो बुक पब्लिश कर रहा है जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी uh, है वो उसकी है रेदर देन बुक स्टोर ऑनर की तो इसी पे जो अमेरिकन uh, लॉयर है जेफ कौफ उन जेफ uh, कौफ उनका कहना था कि जिन्होंने केस किया था उनको ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो बुक स्टोर ऑनर है उनको पता है कि वो क्या कंटेंट बेच रहे हैं इसी पे जो जेफ कौफ uh, है उन्होंने बुक भी लिखी है द ट्वेंटी सिक्स वर्ड्स दैट क्रिएटेड द इंटरनेट ये सेक्शन टू थर्टी के ऊपर ही बुक है द ट्वेंटी सिक्स वर्ड्स दैट क्रिएटेड द इंटरनेट तो ये थी कि ये ये जो लॉ है कैसे बना अब बात करेंगे कि इस पर यूएस गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है तो यूएस में दो मेजर जो ग्रुप्स हैं रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स वो दोनों इस लॉ को अपोज करते हैं जो रिपब्लिकन हैं वो इसलिए अपोज करते हैं उनका कहना है कि जो सोशल मीडिया जाइंट्स हैं वो जो कंजर्वेटिव वॉइस होती है उनको साइलेंस कर देते हैं उनकी बात को सामने नहीं आने देते हैं जो डेमोक्रेट्स हैं उनका कहना है कि और पॉलिसीज होनी चाहिए ताकि इंटरनेट पे जो एक्सट्रीमिज्म अब्यूज़ या मिस इन्फॉर्मेशन चलता है उसको टैकल किया जाए 2019 में जो अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं ट्रंप उन्होंने क्लेम किया था कि जो बड़ी कंपनीज हैं दे वर प्लानिंग टू रिग द 2020 इलेक्शंस और मई 2020 में उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी साइन किया था जिसमें उन्होंने फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन को कहा था कि वो रेगुलेशंस प्रपोज करें इस लॉ के लिए और फेडरल जो गौ, जो गवर्नमेंट है वो एडवर्टाइजिंग जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे होती है उस पर कितना स्पेंड कर रही है उसको भी रिव्यू किया जाए वो जानना चाहते थे कि कै वो कि ये जो जो फेडरल स्पे, स्पेंडिंग है कैसे ये गवर्नमेंट के जो एजेंडाज़ है उनको इन्फ्लुएंस करती है और जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन लॉस किया उसके बाद ही उन्होंने ने नेशनल डिफेंस ऑथोराइज ऑथोराइजेशन एक्ट जो है उसको भी विट्रो किया दो की कांग्रेस ने उसको पास कर दिया गया दो की कांग्रेस ने उसको पास कर दिया ये जो नेशनल डिफेंस ऑथोराइजेशन एक्ट है ये एनुअल डिफेंस बिल है अमेरिका का जो कि मिलिट्री स्पेंडिंग्स के लिए होता है और जो करंट uh, अमेरिकन जो प्रेजिडेंट इलेक्टेड हैं जो जो बिडन हैं वो भी वो भी इस एक्ट के ख़िलाफ़ हैं वो भी चाहते हैं कि इसमें कुछ चेंजेस आनी चाहिए लेकिन इलेक्शन uh, हारने के बाद डोनल्ड ट्रम्प का तो सीधा ये कहना है कि इस लॉ को इस लॉ को हमेशा के लिए हटा ही देना चाहिए तो अब जो टेक जॉइंट्स हैं जो इंडस्ट्री है उसका क्या कहना है अब उसको जानते हैं उनका सबसे पहले ये कहना है कि अगर लॉ में कोई भी चेंज लाई लाई जाएगी तो इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि फर्स्ट अमेंडमेंट राइट्स के अंदर जो फ्री स्पीच है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा बिजनेस पे और इनोवेशन पे इन उन, उन लॉस का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और 2019 जून में जो इंटरनेट एसोसिएशन है जिसके जो मेन में मेंबर्स हैं जैसे गूगल एमजोन फेसबुक हो गया ये सब लोग सपोर्ट में आए थे सेक्शन टू के और फेसबुक ने एक सेनेट कमेटी में जो कि अक्टूबर टू में फॉर्म हुई थी उन्होंने उसमें ये भी कहा था कि अगर इस लॉ को रिपील कर दिया जाएगा हटा दिया जाएगा तो जो सेंसरिंग है वो ऑनलाइन कंटेंट की ज्यादा बढ़ जाएगी तो प्लेटफॉर्म्स जिस चीज के लिए जाने जाते हैं जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है इंटरनेट पे वो बिल्कुल ही हट, हट जाएगी लेकिन फेसबुक ने सपोर्ट किया कि हाँ लॉ को जो है वो अपडेट कर देना चाहिए लेकिन उन्होंने क्लियरली डिटेल्स नहीं दी कि वो कैसा रिफॉर्म चाहते हैं इस लॉ में और गूगल का ये कहना था कि अगर कोई भी चेंजेस लाई जाती हैं तो थॉटफुली लानी चाहिए ये सोच के कि उसका कंज्यूमर और बिजनेस दोनों पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि जो इंटरनेट है आजकल हर किसी के लाइफ का पार्ट एंड पार्सल है तो अगर उसमें कोई भी चेंज आती है तो एक तरफ से सबकी लाइफ उससे इम्पैक्ट होगी बात करेंगे कि इसको रेगुलेट क्यों क्यों करना क्यों किया जाना चाहिए तो ये बहुत ज़्यादा क्रिशियल है क्योंकि आजकल जो है सबके सामने इंटरनेट एरा की जो डार्क साइड है वो भी सामने है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की कैसे इस पर मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड की जाती है प्रोपोगेंडा होता है हेट होती है आर्म्स बेचे जाते हैं इलीगल आइटम्स बेची जाती हैं चाइल्ड पॉन को बढ़ावा दिया जाता है तो बहुत सारे ऐसे क्राइम्स होते हैं जो कि इसकी एक डार्क साइड है और जो सोशल मीडिया एज अ बिजनेस जो उबर के सामने आया है उस उसने भी ये चीज ये चीज को लाइमलाइट में ला दिया है कि इन लॉज को हमें क्यों रेगुलेट करना चाहिए क्योंकि जो सेक्शन टू थर्टी है वो फेसबुक ट्विटर और बाकी सब को बिल्कुल फ्री, फ्री क्योंकि वो किसी भी चीज के लिए लाइबल नहीं है जबकि बहुत सारे स्कैंडल्स फेक न्यूज डेटा ब्रिचे एंटी ट्रस्ट इलेक्शन मैनुप्लेन हम लोग रोज ही न्यूज में सुनते हैं जो लगातार अलग अलग जगह पे सामने आ रहा है और ऐसा नहीं कि इंडिया इससे सेपरेट है इंडिया भी इसी का पार्ट है हमारी कंट्री में भी ऐसे बहुत सारे इंस्टानसेज हुए हैं जिसमें हम लोग देखे हैं कि मीडिया के की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ही सब कुछ इंसाइट होता है अब बात करते हैं कि ये जो सेक्शन टू थर्टी है इसके साथ इंडिया कैसे रिलेटेड है और इंडिया पे इस पर क्या इम्पेक्ट हो सकता है तो सबसे पहले अब जो इंटरनेट है वो किसी एक कंट्री का स्पेसिफिक इशू नहीं है ये अब ग्लोबल एक ग्लोबल ब्लॉब है जिसमें कि सारी कंट्रीज इंक्लूडेड हैं सब कुछ ऑनलाइन है हमारी कंट्री में भी हर एक जो फैसिलिटी है ग्रास रूट लेवल से लेके गवर्नमेंट हर चीज को ऑनलाइन कर रही है तो इसी में अगर हम देखें तो जो एक चेंज आई थी वो थी यूरोपियन यूनियन ने जो जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन लाया था और ये एक लैंडमार्क लॉ था फॉर रेगुलेटिंग इंटरनेट प्राइवेसी और कैसे हाउ मच यूजर डेटा कंपनीज कैन कनेक्ट तो आप देख सकते हैं तो जीडी जो जीडीपीआर था यूरोपियन यूनियन का ये इंडिविजुअल की जो प्राइवेसी है उसको बढ़ाता था और रेगुलेटरी अथॉरिटीज को उसने ग्रेटर पार दी है ताकि वो बिजनेसिस के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं अगर वो लॉ को ब्रीच करते हैं अगर लॉ को तोड़ते हैं और उस रेगुलेशन में यूएन केवल ईयू यू की कंपनियाँ नहीं जो नॉन यूरोपियन कंपनीज हैं अगर पर, जो पर्सनल डाटा को प्रोसेस करती हैं उनके ऊपर भी एक्शन लिया जा सकता था तो अभी जो व्हाट्सएप का इशू उठा है उसमें जो यूरोपियन यूनियन है वो कम्प्लीटली सेफ है बिकॉज ऑफ दिस लॉ क्योंकि उन्होंने वो किसी भी किसी को भी जो है वो सिटीजन्स का डाटा ब्रीच करना अलाउ नहीं करते हैं और उन्होंने इसमें देखिए बहुत सारी टफ पेनालिटीज रखी थी जिसमें कि फोर परसेंट तक का एनुअल ग्लोबल रेवेन्यू जो उस कंपनी का होगा उसका फाइन होगा और यूरो ट्वेंटी मिलियन बिच एवर दोनों में से जो ग्रेटर होगा वो फाइन इम्पोज इम्पोज होगा तो ये था जी डी यूरोपियन यूनियन का और बहुत सारी जो कंट्रीज हैं इसके बाद उन्होंने भी सिमिरल प्रोविजन बनाई हैं अभी आप लोग खुद नोटिस करते होगा कि जब आप किसी वेबसाइट पे जाते हो तो वो आपको कुकीज की परमिशन मांगते हैं जिसका मतलब यही है कि जो कंपनीज है वो यूजर को इंटरनेट पे ट्रैक करना चाहती हैं बिकॉज ऑफ जी तो जो आउटकम होगा सेक्शन टू थर्टी का इसका एक सीरियस इम्पेक्ट होगा कि कैसे इंडिया अपने इंटरनेट और सोशल मीडिया के जो लॉज है उसको फ्रेम करता है और स्ट्रॉन्ग करता है जो डिजिटल लॉज हैं अभी बहुत अर्ली अर्ली स्टेज में हैं और जो रेगुलेशन है वो इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के साथ मैच नहीं कर रही क्योंकि इनोवेशन और टेक्नोलॉजी हर रोज एक नई इन्वेंशन हो चुकी होती है और जो लॉ है वो उसके अकॉर्डिंग ऑप्सलीट हो चुके होते हैं तो इसीलिए जो एंटी ट्रस्ट और रेगुलेशन है ये बहुत बड़े इशूज़ हैं तो इसीलिए जो डिजिटल लॉज जो डिजिटल लॉज हैं वो अभी अर्ली अर्ली स्टेज पे हैं और जो रेगुलेशन है वो इनोवेशन के साथ मैच नहीं कर पा रही और जो लॉज हैं वो उसके अकॉर्डिंग ऑब्सलीट हो जाते हैं जो एक मेजर इश्यू है क्योंकि इस समय अगर देखा जाए तो फेसबुक ट्विटर ये जो हैं ये इतनी बड़ी कंपनीज हैं कि एंटी ट्रस्ट और रेगुलेशन जो है ये इश्यूज भी उन्हीं के साथ ही इतने इंपॉर्टेंट लगने लगे हैं और ये जो लॉज हैं इनसे कोई भी कंट्री जो है वो अलूफ नहीं है आज के सेक्शन में इतना ही था अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल थैंक यू फॉर वॉचिंग